हेलो, तो क्या हाल चाल है भाई? आप सभी के सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हैशटैग आस्क एजी का एक और ये नया और शानदार एपिसोड। जो भी क्वेश्चन आपने हमसे कम्युनिटी में पूछे थे तो उनके सबके मिलाकर क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको आगे चलकर वीडियो में देने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पिक करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको सही तरह से दे पाऊँ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। अगर वहां पर भी आपकी कोई इस तरह की क्वेरी हो तो हम वहां पर आपको इंस्टेंट आंसर देने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं दुष्यंत देवांगन का। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि MIUI 12 अपडेट रेडमी 7A और 8A में कब आएगा? तो दोस्तों, रेडमी 7A और 8A का जो MIUI 12 का अपडेट है, पहले तो भाई ये रूमर्स थे कि दिसंबर के महीने में हमें इन दोनों डिवाइसेस में ये अपडेट रिसीव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं और जैसे कि यहां पर रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं, तो मुझे लगता है कि अगले साल से ही हमें रेडमी के इन दोनों डिवाइसेस में MIUI 12 का अपडेट आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडमी की जो 5 सीरीज है यानी कि जो रेडमी नोट 5 प्रो है, तो उस स्मार्टफोन को भी हमें जनवरी से ही MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे होप्स हैं कि रेडमी के जो 7A और 8A डिवाइसेस हैं उनको हमें जनवरी से ही MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलता है। बाकी ये तो कंपनीज की स्ट्रेटजीज होती हैं, कभी भी वो अपने अपडेट्स को पुश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राम शर्मा जी की तरफ से। इनका क्वेश्चन है Realme C2C.49 का अपडेट कब आएगा? I am on C.47 Realme 6 next update and features। तो भाई Realme C2C.49 का अपडेट हमें शायद से इस महीने देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स बोल रही हैं और जैसा कि मैंने कम्युनिटी में बात करके आपको वीडियो बनाकर पहले बताया ही था। और जो A.30 का अपडेट आया है तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी तक Realme C2 में कलर OS 6 को यूज़ कर रहे हैं। बाकी उन सभी लोगों के लिए जो 100% रोल आउट है वो तो इस महीने कंप्लीट कर ही दी जाएगा। और इनका आगे क्वेश्चन है कि Realme 6 नेक्स्ट अपडेट, तो भाई Realme 6 के लिए इस मंथ हमें एक और नया अपडेट मिलने वाला है और उसके फीचर्स के बारे में तो अभी तक यहां पर कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन इस महीने जब भी ये अपडेट्स आते हैं तो हर सैटरडे को हमारा हैशटैग वीकली अपडेट न्यूज आता है, तो उस वीडियो में आपको इसकी न्यूज भी कवर करके बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम धीमान का। इनका क्वेश्चन है कि सजेस्ट मी अ बेस्ट लैपटॉप अंडर 40 के हैविंग बेस्ट प्रोसेसर विद 4GB रैम। तो भाई 40,000 के अंडर जो है सबसे बेस्ट लैपटॉप है वो है ओनर का लैपटॉप, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वहां पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो जो ओनर का लैपटॉप है उसमें काफी अच्छा प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाएगा और गेमिंग भी आप उसमें अच्छी खासी कर पाएंगे और उसमें जो है फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, पॉपअप कैमरा आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। तो उसके फीचर्स चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत देवांगन का ही फिर से एक क्वेश्चन है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने पिक कर लिया। तो इनका क्वेश्चन है कि रेडमी 7A में रोम फ्लैश करो और स्पीड टेस्ट करो। तो भाई रेडमी 7A में रोम फ्लैश करने का यहां पर मेरा कोई भी अभी मन नहीं है, और स्पीड टेस्ट की बात रही तो वैसा कोई मेजर फर्क हमें रोम डालने पे भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड हमें Redmi के 7A डिवाइस में देखने को नहीं मिलती है। बाकी फ्यूचर में देखेंगे कि अगर कभी हम फ्लैश करना चाहें तो उसके बाद आपको एक स्पीड टेस्ट भी इसका दे देंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक GM का। इनका क्वेश्चन है कि आपका इंस्पिरेशन क्या है? तो भाई मेरा इंस्पिरेशन कुछ खास भी नहीं है, और यूट्यूब पे मैं जस्ट सिंपली अपने हॉबी एज अ हॉबी काम कर रहा हूँ, और मेरा थोड़ा सा टारगेट ऐसा भी है भाई कि अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। बाकी जो अर्निंग वगैरह होगी वो तो होगी ही, वो तो सबका मतलब टारगेट नंबर 1 होता है। बाकी मेरा टारगेट नंबर 1 यही है कि जो कंटेंट है वो मैं आपको सबसे बेस्ट दूं, और बाकी आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी इंस्पिरेशन आप सभी लोगों पे भी डिपेंड होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करण कुमार का। इनका क्वेश्चन है भाई नोकिया 2.1 अमेज़न पर 1500 पर एक्सचेंज हो रहा है। तो भाई नोकिया 2.1 अगर अमेज़ॉन पे 1500 रुपये में एक्सचेंज हो रहा है तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसे एक्सचेंज कर दीजिए, क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस जो है हमें इसको एंड्रॉइड 10 अपडेट करने के बाद इसमें देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि 1500 रुपये अगर आपको नोकिया 2.1 में मिल रहे हैं तो आप इसे एक्सचेंज करना ना चाहें। तो हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो जोर से कर दीजिए भाई, अब इसका इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं रहा। इसका बाद क्वेश्चन है
हिमालयन गैजेट चैनल का नाम क्यों रखा, ये फिर से विवेक जीएम जी का क्वेश्चन है। तो भाई हिमालयन गैजेट्स, इससे पहले मेरे चैनल का नाम था मोबाइल्स रिव्यू ज्ञान, तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई जो मोबाइल्स होंगे उनके रिव्यू मैं आपको करके दूंगा और उससे आपको ज्ञान जो है गेन होगा। तो कुछ इस तरह का मेरा यहाँ पर पहले मॉडल मैंने अपने चैनल का रखा हुआ था, लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स से कुछ कंसर्न करने के बाद मैंने अपने चैनल का नाम हिमालयन गैजेट रख दिया, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो कुछ हिमालयन नेम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और गैजेट यहाँ पर आगे लगा दिया कि भाई टेक्स रिलेटेड चैनल होने वाला है तो गैजेट इसमें आगे लगा देते हैं। बस ऐसा कुछ इससे अलावा मेरा जो मोटिव था वो नहीं था। इसके बाद जो है अमन राजा जी का क्वेश्चन है, अभी एक ही सवाल, नोकिया 2.1 का सिस्टम का अपडेट कब आएगा। तो भाई नोकिया 2.1 का जो अपडेट से रिलेटेड वीडियो मैंने लास्ट बनाया था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही आपके ये कमेंट्स देखने को मिले कि भाई नोकिया 2.1 में हमें जो अपडेट आया है तो वो तो सिर्फ सिक्योरिटी का ही अपडेट है, तो उससे हमारे कुछ भी बग्स अपने नोकिया 2.1 में सॉल्व नहीं हुए। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इस महीने हमें नोकिया 2.1 में कोई भी अपडेट देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं आपको अपने ओपिनियन से बताऊँ तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी से ही हमें नोकिया 2.1 में कोई अच्छा सा अपडेट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इस महीने मुझे नहीं लगता कि नोकिया आप अपने इस पुराने डिवाइस को एक महीना छोड़कर अपडेट देने वाला है। एटलीस्ट एक या दो महीने छोड़कर ही हमें अब जो है नोकिया अपने पुराने डिवाइसेस में अपडेट पुश करता है, तो अब जो है नोकिया अपडेट्स देने में नंबर वन तो मुझे नहीं लगता कि रहा है। दोस्तों बस यही थे सारे सवाल और मैंने आपको दे दिए क्वेश्चन के आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आंसर मैंने आपको दिए इनसे आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो कीजिए और वहां पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज हर संडे के 2-3 दिन पहले मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, तो वहां पर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पूछिए तो नेक्स्ट संडे आपका क्वेश्चन जो है वो पिक कर लिया जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।